गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर टूडेज चैप्टर इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नो अबाउट हाउ डू वी टेस्ट आर फूड एंड हाउ डज इट डाइजेस्ट इन आर बॉडी फर्स्ट स्टार्ट विथ टेस्ट हाउ डू वी नो अबाउट डिफरेंट टेस्ट देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फूड बट सम ऑफ दोज फूड वी लाइक एंड सम ऑफ दोज फूड्स वी don't like because of taste but how do we recognize different tastes okay I'm telling you this is a tongue there are thousands of taste buds on our tongue those taste buds help us to recognize different tastes ye hamari tongue hai hamari tongue mein hazaron taste buds hote hain wo taste buds hame alag alag food ka jo taste hota hai usko recognize ya use pehchanne mein hamari हेल्प करते हैं सम ईयर्स अगो इट वॉज बिलीव दैट देर आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑन आर टंग फॉर स्पेसिफिक टेस्ट लाइक इट वॉज बिलीव दैट इन फ्रंट पार्ट वी कैन टेस्ट स्वीट थिंग्स एंड हियर ऑन फ्रंट लेफ्ट साइड एंड फ्रंट राइट साइड वी कैन टेस्ट ओनली सॉल्टी थिंग्स एंड इन बैक लेफ्ट साइड एंड बैक राइट साइड वी कैन टेस्ट ओनली सावर थिंग्स एंड On back side of our tongue, we can taste only bitter things. But now new studies suggest that we can feel all tastes in all parts of our tongue. But some parts are more sensitive for some tastes. Like back of our tongue is more sensitive for bitter tastes. And sides of our tongue are more sensitive for tastes. Then middle part of our tongue. पहले क्या माना जाता था पहले कहा जाता था कि हमारे टंग के जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग टेस्ट को फील करते हैं जैसे कि जो फ्रंट साइड है हमारी टंग की उसमें सिर्फ स्वीट टेस्ट ही हम फील करते हैं और जो आगे लेफ्ट और राइट साइड है वहाँ पे हम सॉल्टी थिंग्स का टेस्ट फील करते हैं और पीछे जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वहाँ पे हम सावर थिंग्स का टेस्ट फील करते हैं और जो हमारे टंग का पीछे का पार्ट है उसमें हम सिर्फ बीटर टेस्ट फील करते हैं लेकिन अभी नए स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है अभी नए स्टडीज़ के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो हमारी टंग है उसमें पूरी टंग में ही हम अलग अलग टेस्ट को फील कर सकते हैं लेकिन कुछ पार्ट हमारी टंग के ज़्यादा सेंसिटिव है कुछ टेस्ट के लिए और कुछ कम सेंसिटिव है जैसे बैक पार्ट जो है हमारी टंग का वो बीटर टेस्ट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम बीटर टेस्ट को टंग के किसी और पार्ट में फील ना कर सकें या किसी और टेस्ट को हम पीछे के पार्ट में फील ना कर सकें लेकिन इसका यह मतलब है कि बीटर टेस्ट को हम ज़्यादा फील बैक साइड में कर सकते हैं क्योंकि ये बीटर टेस्ट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है और न्यू स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारी टंग की साइड्स हैं वो टेस्ट फील करने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू मिडल पार्ट के हमारी टंग से और हमारी टंग में जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें डिफरेंट टेस्ट फील करने या रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं सो यू सी आर टंग हैज़ टेस्ट बड्स एंड दोज टेस्ट बड्स हेल्प अस टू टेस्ट आर फूड सो आफ्टर टेस्टिंग फूड लेट्स सी हाउ डज इट डाइजेस्ट इन आर बॉडी बट बिफोर सीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेल मी व्हाट इज डाइजेशन In simple words, digestion is a process of breaking down of food into smaller parts, which our body can use. आसान शब्दों में digestion वो process है जिससे food और छोटे parts में divide हो जाता है और जिन छोटे parts को हमारी body use कर सके जो हमारी body होती है जैसे हम food direct खाते हैं उसको use नहीं कर सकती है body को उस food में से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स फाइबर मिनरल्स प्रोटीन्स विटामिन्स वाटर तो बॉडी को इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो डाइजेशन में क्या होता है डाइजेशन में ये न्यूट्रिएंट्स फूड से अलग हो जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है तो डाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके लिए
आगे एक एनिमेटेड वीडियो है जिसको आप देखिए। आपको वीडियो देखने के बाद मैं मिलता हूँ। I love apples. Even I love apples. Do you know what happens to the food inside our body? No. Let's get into this boy's body with the apple and see what happens to it. Wow! We have become so small. We are so small that we can enter this boy's body. So, let us start from mouth. Oh! Teeth are making it in small pieces and also grinding it. Yes, saliva gets added here to this food. Food becomes a thin paste. Teeth, with help of saliva, make a thin paste. Which way to go now? Now there are two ways. One goes to the food pipe and other goes to the windpipe. We are going to the food pipe. There is a valve called pharynx. This food pipe is also called esophagus. Windpipe, food pipe, pharynx. Oh, now we are entering the stomach. Get ready. There's a lot of liquid here. Food travels from esophagus to stomach. What is this liquid? Oh, these are gastric juices. They make the food melt. It is a kind of boiling here. Yes, this is also called acid. Gastric juice. It is small intestine. Oh, but food is just traveling. Where would the body take nutrients from the food? Right question at the right time. Most of digestion happens in small intestine. Most of nutrients are absorbed by body here. Small intestine. Most of digestion happens here. What is this green liquid? Oh, this is bile. It is produced in liver and pancreas. It helps in digestion. This liquid comes in small intestine and helps to take nutrients from the food. Alright. Bile, liver, pancreas. What are these small hairs? These are called villi. Nutrients enter blood from these villi. Oh, it's a long journey. Yes, it is 22 feet long. Small intestine is 22 feet long. Now we are entering large intestine. Is it bigger than small intestine? No, small intestine is bigger in length, but large intestine is bigger in width. Oh, small intestine is narrow. That is why it is called small intestine. Yes, here the water from the food is absorbed. Large intestine, water is absorbed here. Oh, I want to go back. Now this is becoming very thick. Yes, let's go back. Now it is food waste, which body does not need. It would go out of the body through anus. Anus, food waste goes out. So here you can see whole digestive system. Now you know the whole journey of food. Wow! It is a long journey. It starts from mouth, goes to esophagus, which is food pipe. From there, it goes to stomach. Then it enters small intestine. And from small intestine, it enters large intestine. And from there, it comes out of body through anus. Let's see an experiment on what happens inside the stomach. Oh, what is this? Let me show you how gastric juices in stomach burn the food which we eat. Why are you cutting the apple? Because
food goes into our stomach in small pieces. What is the liquid in this jar? Oh, it is acid, like in our stomach. So, acid would burn all the food and give us energy. Yes, acid in stomach burns all the food, or we can say it cooks all the food to get nutrients. Yeah, it is taking time. Yes, stomach takes 6-7 hours to burn all the food. तो वीडियो में आपने देखा कि डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फूड को अपने माउथ में च्यू करते हैं, अपने मुंह में जो फूड होता है उसे हम चबाते हैं. उसके चबाने से जो सलाइवा मुंह में होता है, यानी कि जो थूक मुंह में होता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारा फूड फ्लूइड बन जाता है या लिक्विड बन जाता है. और उसके बाद एसोफेगस से या फूड पाइप से फूड हमारे स्टमक में जाता है और लीवर या पैंक्रिया से गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स फूड को और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फूड को मेल्ट करते हैं. उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वही गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस जो फूड होता है उसको और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अलग करते हैं. और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं. और उसके बाद फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ भी कुछ न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं जो थोड़े बहुत बच गए होते हैं, या वाटर यहाँ पे अलग होता है. और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बच जाता है. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है. तो ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. तो आज हम फूड को कैसे टेस्ट करते हैं वो पढ़ा, और साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.